अलीराजपुर में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में समस्त मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन किया गया। उक्त रैली जामा मस्जिद चौक से बड़ी संख्या में तख्ती लेकर चल रहे थे। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर मोहम्मद झोपटवाला के साथ। नई दिल्ली भारत द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश विषय नागरिक संशोधन बिल 2019 के विरोध के संबंध में महोदय उपरोक्त विसर्गत अलीराजपुर जिले के समस्त मुस्लिम समाजजनों की ओर से निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल 2019 पारित किया गया है जिसका अलीराजपुर जिले के समस्त मुस्लिम समाजजन घोर विरोध करते हैं। उक्त विधेयक धर्म को नागरिकता पाने का अधिकार आधार बनाने वाला होकर सांप्रदायिक व असंवैधानिक है तथा भारत के धार्मिक बहुलवाद के खिलाफ है। लोकतंत्र तथा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। इस काले कानून से भारत गणराज्य में आपसी भाईचारा नष्ट हो जाएगा तथा भारत की गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारे खत्म करने की साजिश और भारत को बांटने की नापाक कोशिश इस काले कानून के माध्यम से की जा रही है। इसलिए अलीराजपुर मुस्लिम समाज इसका पुरजोर विरोध करता है तथा इस अवैधानिक कानून को वापस लिए जाने की मांग करता है। अतः हम मुस्लिम समाजजन आग्रह करते हैं कि नागरिक संशोधन बिल 2019 वापस लिया जावे। यदि उक्त कानून को लागू किया जाएगा तो हमें आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा। दिनांक 13/12/2019 समस्त मुस्लिम समाजजन की तरफ से श्रीमान के समक्ष पेश किया। किस संबंध में आज ये आवेदन दिया गया? एनआरसी के खिलाफ, नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ ये आवेदन जुलूस निकाला गया है। हम अलीराजपुर मुस्लिम समाज और पूरा जिला इस बात का विरोध करते हैं। ये जो कानून बना है भारत के संविधान के लिए ये बिल्कुल खराब है और इससे हमारे भाईचारे में, हमारे रहने में, हमारे और भी बहुत सारे संबंधों में तकलीफ आएगी। हम इस पूरे कानून का विरोध करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस काले कानून को वापस किया जाए और हमारे भारत की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखें।